चलिए एंजाइम के बारे में कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इसमें मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, एंजाइम इनएक्टिवेशन बाय द सुसाइड इनहिबिटर शुड बी। सुसाइड इनहिबिटर का मतलब है एस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कि क्या करेंगे, अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। एक्टिव साइड डायरेक्टेड होते हैं, सुसाइड इनहिबिटर्स आर एक्टिव साइड डायरेक्टेड। एंजाइम के पास एक एक्टिव साइड पाया जाता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है जाके बाइंड करते हैं, और वहीं पे सुसाइडल इनहिबिटर्स भी जाके बाइंड करते हैं। तो सुसाइडल इनहिबिटर्स का जो टारगेट होता है दैट इज़ एक्टिव साइट होता है, इसीलिए दे आर एक्टिव साइड डायरेक्टेड वन। आंसर वुड बी बी। एक क्वेश्चन में आया हुआ है कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एन एगोनिस्ट इज। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में कहा जाता है कि जब कोई भी सब्सट्रेट अपने एंजाइम से बाइंड करता है, एगोनिस्ट का मतलब है सब्सट्रेट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है इनहिबिटर, तो एगोनिस्ट है वो, तो वहाँ पे क्या होगा कि इंड्यूस्ड फिट में जब भी सब्सट्रेट या कोई चीज़ बाइंड करेगी तो वो पर्टिकुलरली कन्फर्मेशनल चेंज के लिए जाएगा, तभी इसका नाम इंड्यूस्ड फिट होता है कि थोड़ा सा बाइंड करेगा तो उसके बाद वो इंड्यूस करेगा प्रॉपरली बाइंडिंग के लिए, और वो फिर कन्फर्मेशनल चेंज करके बाइंड कराएगा। तो इंड्यूस्ड फिट में अ कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस एक्सोथर्मिक इफेक्ट गलत है, अ कंपाउंड विच ऑक्यूपाइज द रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड गलत है, अ कंपाउंड विच इंड्यूसेस, देखिए यहाँ पे नाम विच इंड्यूसेस अ स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज, इसीलिए तो इसका नाम इंड्यूस्ड फिट है, इंड्यूस्ड करके फिर फिट हो जाएगा, दैट इज अ केस हियर जो कि पाया जाता है। सो आंसर सी विड बी द राइट फॉर यू। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड ऑल, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बता रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन एन एंजाइम ऐसे द करेक्टेड एब्जॉर्बेंस, जो करेक्टेड एब्जॉर्बेंस है वो आपका 100 माइक्रोलीटर एंजाइम के लिए इतना लिया गया, एंड वन यूनिट ऑफ एंजाइम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंस बाई 0.001। अंडर यूनिट ऐसे कंडीशंस जो है ये हम मतलब ऐसे कंडीशन में इसको डिफाइन किया गया कि एक यूनिट एंजाइम इतना एब्जॉर्बेंस हो करता है, तो इतने एब्जॉर्बेंस में कितने यूनिट होंगे इसे डिवाइड कर दो एंड यू विल फाइंड द यूनिट। तो आपको बताना है एंजाइम एक्टिविटी यूनिट्स पर ml। यूनिट्स तो यहाँ से पता चल जाएगा, इस माइक्रोलीटर को ml में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, आपको अभी पता चला है कि एक यूनिट में 0.001 एब्जॉर्प्शन होता है जो उन्होंने बताया, यानी अगर 0.001 एब्जॉर्प्शन में एक यूनिट है तो इतने एब्जॉर्प्शन में इतने में कितना यूनिट होगा, इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो 0.025 डिवाइडेड बाय 0.001 दैट विल बी 25 यूनिट, मतलब इस एब्जॉर्बेंस में आपको 25 यूनिट ऑफ एंजाइम है। आपको यूनिट तो पता चल गया, यानी 25 यूनिट्स जो है वो आपको पता चल गया। अब आपको पता करना है कि ml, यूनिट्स पर ml में करना है, तो पहले आप ml में कैलकुलेट करिए। तो ml के लिए पहले इस वॉल्यूम को कंसीडर करिए, वॉल्यूम दिया है माइक्रोलीटर में एंड यू हैव टू कंसीडर इट इन द ml। तो माइक्रोलीटर में ml के लिए आपको यूनिट कन्वर्जन का ये सहारा लेना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ml अगर माइक्रोलीटर में जाएगा, ml अगर माइक्रोलीटर में जाएगा तो 10^3 मल्टीप्लाई करेंगे, और माइक्रो को ml में ले जाएंगे तो 10^-3। यहाँ पे माइक्रो को ml में करना है तो 10^-3 का मल्टीप्लाई किया, 10^-3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो यह आ जाएगा 0.1, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 ml में। माइक्रोलीटर से अब आपने ml में कन्वर्ट कर लिया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको यूनिट पता है 25 और वॉल्यूम पता है ml, डिवाइड कर दीजिए, तो 1 ml के केस में ये डिवाइड करेंगे तो 250 यूनिट्स पर ml आ जाएगा। सो यू विल हैव द 250 यूनिट्स पर ml, दैट इज़ द डी ऑप्शन। सिंपल, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। एंजाइम एक्स शोड द एक्टिविटी, एंजाइम एक्स जो है अपनी एक्टिविटी सब्सट्रेट ए पे 375 यूनिट्स पर ml शो कर रहा है, सबस्टेट बी पे 185 यूनिट्स पर ml शो कर रहा है, एंड सबस्टेट सी पे 75 यूनिट्स पर ml कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू सबस्टेट ए, ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू सबस्टेट ए मतलब सबस्टेट ए के कंसीडर करते हुए परसेंटेज एक्टिविटी ऑन सबस्टेट बी और सबस्टेट सी पे बताना है। तो आपको क्या करना है, ए के रिस्पेक्ट में बात करना है, एज अ रेफरेंस लेना है ए का। सो ए जो है, ए की एक्टिविटी थी 375 यूनिट्स पर ml, बी की एक्टिविटी थी 185 यूनिट्स पर ml, एंड सी की एक्टिविटी थी 75 यूनिट पर ml।
आपको ए को एज अ रेफरेंस लेना है, मतलब एक यूनिट जो है आपको 100% एक्टिविटी दे रही है, यानी परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ ए देखोगे तो एक्टिविटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए, क्योंकि रिस्पेक्ट में जिससे बात करना है वो ए को लेना है, तो उसके लिए 375 into 100 दैट इज 100%, ये परसेंटेज एक्टिविटी है ए की ए के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी ए की विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। बी की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय ए की एक्टिविटी इनटू 100 करेंगे तो 185/375 आ जाएगा, इनटू 100 ये करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 49.3 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं परसेंटेज सी, परसेंटेज सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक्टिविटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए इनटू 100, एक्टिविटी ऑफ सी था 75 यूनिट पर एमएल एंड एक्टिविटी ऑफ ए है 375, सॉल्व करोगे तो 20%, यानी बी और सी की ए के रिस्पेक्ट में जो एक्टिविटी आ रही है वो 49 और 20 आ रही है, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है सिर्फ थर्ड में, एंड दिस इज द राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, द रिएक्शन वर्सेज सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन वॉज परफॉर्म्ड यूजिंग 1 microgram पर एसे, सिमिलर एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एक्सेप्ट दैट एक्सेप्ट द कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम वॉज यूज 2 microgram पर एसे, अंडर दीज कंडीशंस काइनेटिक कॉन्स्टेंट विल बी। ध्यान दीजिएगा कि आप समझिए इसको, आपके पास एक एंजाइम है, उसके पास मान लीजिए कि 5 active site है, यू हैव 1 enzyme, यू हैव 5 active site, आपके पास 5 active site है, कोई भी सबस्टेट यहाँ पे जो है आराम से इधर भी जाके बाइंड करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, अफिनिटी ऑफ दिस सबस्टेट विल बी द सेम फॉर एवरी एक्टिव साइट एट दिस एंजाइम। अगर ये एंजाइम हमने डबल भी कर दिया तो भी तो सबस्टेट की अफिनिटी वही रहने वाली है, चाहे वो यहाँ जितनी अफिनिटी से बाइंड करेगा उतनी अफिनिटी से वहीं बाइंड करेगा, तो KM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, KM विल नॉट चेंज। इफ़ यू इंक्रीज द एंजाइम, अगर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो KM जो है वो नहीं चेंज होगा, KM जो है नहीं चेंज होगा, लेकिन Vmax जो है वो चेंज होता है। कैसे, देखिए कि अगर आपके पास एक एंजाइम था तो वो 1 minute में मान लीजिए 5 site था तो 5 substrate को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, और अगर 2 enzyme आ जाएंगे तो आपके पास 10 active site हो जाएगा, यानी 10 substrate को उतने ही टाइम में कन्वर्ट करेगा, 3 आ जाएगा तो 15, 4 आ जाएगा तो 20, मतलब कि जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वेलोसिटी बढ़ने वाली है। सो इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द वी मैक्स, वी मैक्स विल इंक्रीज एंड द KM विल रिमेन द सेम, ये जो है आपका सी स्टेटमेंट सही होगा, वी मैक्स बढ़ेगा लेकिन KM सेम रहेगा, तो ये जो है आपका इसका है KM विल नॉट चेंज, या हम बोल सकते हैं KM विल सेम, ये जो है सेम रहेगा एंड वी मैक्स चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द टर्नओवर नंबर पर सेकंड फॉर एन एंजाइम KM इज इक्वल टू 0.001 molar एंड वी मैक्स इज 10 micromolar पर सेकंड एंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001 molar। KM या टर्नओवर नंबर को ही हम KCAT के नाम से जानते हैं, KCAT के नाम से जानते हैं, और KCAT विल बी वी मैक्स बाई ई नॉट, वी मैक्स बाई ई नॉट के ऊपर चलता है। वी मैक्स की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 10 micromole पर सेकंड, तो 10 micromole को यहाँ पे रखिए, 10 micromole पर सेकंड आपने रखा, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 0.001 micromolar, दोनों micromolar में दिया है, हमने यूनिट कन्वर्जन किया ही नहीं तो हम यहाँ पे इसको पुट कर दिए, तो देखिए ये है 10^0.001, मतलब 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, 10^-3 लिख सकते हैं, ये 10^-3 ऊपर जाके 10^+3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू है 10^4 second पर सेकेंड में टर्नओवर नंबर आ जाएगा। दिस इज़ द कंडीशन कि 10^4 जो है वो आपके पास आंसर आने वाला है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, आंसर ए आएगा बट गिवन है जो कि डी, डी जो है आंसर नहीं आएगा, ए आने वाला है। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है दैट इज़ माइक्रोमोल पर सेकेंड में माइक्रोमोलर माइक्रोमोलर कैंसिल आउट हो गया और 10^4 पहला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ तक होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। नाउ
सीधा सीधा टर्नओवर नंबर का फॉर्मूला आपको रखना था। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज कन्वर्ट टू द सक्सिनेट टू द फ्यूमरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द कॉम्पिटिटिव, ध्यान रखना ये लिपो क्या बोला है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट इज एडेड। कॉम्पिटिशन जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए अगर एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसके पास एक एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट से बाइंड करने वाले जो हैं आपके पास इधर सक्सिनेट है या मेलोनेट है, जब ये दोनों कंपीट करेंगे तो अफिनिटी को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों लड़ाई कर रहे हैं अपनी अफिनिटी अच्छी करने के लिए, और इसी वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में KM जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज KM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी, बट Vmax जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि एंजाइम तो उतना सबस्ट्रेट्स जो अपने एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग बाइंड करने ही वाला है, सो दैट्स वाई Vmax विल बी कॉन्स्टेंट एंड KM विल इंक्रीज, KM बढ़ेगा और Vmax जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, Vmax जो है वो आपको कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रिड्यूस करना, ठीक है ना, तो इफ़ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है कम हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो आपका मेलोनेट कम होगा, ज़्यादातर सक्सिनेट यही मिलने वाला है, तो मिलेगा तो एक्टिव साइट पे ज़्यादा स्ट्राइक करने के चांसेस सक्सिनेट के बढ़ेंगे, मेलोनेट को भीड़ भाड़ में एकदम पीछे कर दिया जाएगा। अब सोचो कि एक जगह पे एक अकेला इंसान खड़ा है और वहाँ पे 10,000 अलग लोग हैं, तो भीड़ में एक इंसान कहाँ से पता चलने वाला है, तो वही हाल होती मेलोनेट की कि अगर सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कुछ कर नहीं पाएगा, तो यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम कम कर सकते हैं विथ इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है तो KM इंक्रीज होता है और Vmax सेम रहता है, ये स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। चलिए सी नेक्स्ट, एन एंजाइम विच फॉलोज द माइकलिस मेंसन काइनेटिक्स, वॉट विल बी द रिएक्शन वेलोसिटी एट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन KM/3। एक एंजाइम जो अगर माइकलिस मेंसन कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रहा है तो उसकी रिएक्शन वेलोसिटी क्या होगी अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन KM/3 है तो। इसके लिए दो तरीके हैं, मैंने आपको बताए हुए थे वैसे तो ट्रिक एंड ऑल के बारे में, बट स्टिल लाइक ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि V इज इक्वल टू Vmax इंटू KS इंटू S डिवाइडेड बाई KM+S फॉर्मूला होता है। इसको अगर देखोगे तो सबस्ट्रेट की वैल्यू KM/3 रखिए, रखने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की वैल्यू KM/3 रखिए, यहाँ पे KM/3 रखिए, ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3KM हो जाएगा, और ये फिर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3KM और KM 4KM हो जाएगा, और यहाँ पे KM कैंसिल तो Vmax/4 अल्टीमेटली आ जाएगा। या तो आप ये डिटेल सॉल्यूशन कर सकते हैं विद फॉर्मूला, या तो ट्रिक यूज़ करिए। ट्रिक क्या है कि अगर सबस्ट्रेट की वैल्यू KM/X है तो वेलोसिटी की वैल्यू Vmax/X+1 होगी। X जो है एक पैरामीटर या नंबर है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो X की वैल्यू 3 थी, अगर X की वैल्यू 3 थी तो V की वैल्यू जो है Vmax/3+1 4 आ जाने वाली थी, Vmax/4 जो है वो आपका आ गया, तो यू कैन यूज़ इट। और ये चीज़ वाइस वर्सा कर सकते हैं, अगर V इज इक्वल टू Vmax/Y है, मान लीजिए कि जैसे कि Vmax/2 है, तो सबस्ट्रेट की वैल्यू जो हो जाएगी KM/2-1 दैट इज़ KM, यानी सबस्ट्रेट KM के बराबर होता है, यही तो KM का डेफिनेशन है कि जब वेलोसिटी Vmax/2 होती है तो ये चीज़ चलती है। तो ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला आपको जो ट्रिक है ये आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करवा सकता है बिना किसी चीज़ों के, ठीक है ना। चलिए सो दिस इज़ द ट्रिक, यू कैन अप्लाई एंड सॉल्व द केस, आंसर जो आ जाएगा Vmax/4। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑफ द 5.3 ml इज 2.3 μM पर मिनट एंड द टोटल प्रोटीन कंटेंट जो है सोल्यूशन में 0.8 mg है, वॉट विल बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी डिवाइडेड बाई द प्रोटीन इन mg। एक्टिविटी को माइक्रोमोल पर मिनट में, एक्टिविटी जो होता है इसके यूनिट माइक्रोमोल पर मिनट
और यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये एक्टिविटी का यूनिट होता है, इसको अगर हम प्रोटीन से डिवाइड कर दें, एमजी से, प्रोटीन का से यूनिट है एमजी, यूनिट का ध्यान रखना क्योंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी और एक्टिविटी में यही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एक्टिविटी की यूनिट माइक्रोमोल पर मिनट या यूनिट्स डिवाइडेड बाई प्रोटीन इन एमजी। एक्टिविटी सीधे सीधे माइक्रोमोल पर मिनट में ही दिया है, देखो माइक्रोमोल पर मिनट तो 2.34 सीधे रखा आपने, प्रोटीन किस में दिया है वो भी एमजी में दिया है, सीधे सीधे टेंशन ही नहीं लेना, रखा 2.34 डिवाइडेड बाय 0.8 एमजी, तो ये वैल्यू आएगा 0.2935 या 2.93 माइक्रोमोल पर मिनट पर एमजी इज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, आंसर वुड बी द वन आ जाएगा, ठीक है।